नया भारत। वैष्णो देवी के यात्रियों की सहूलियत के मद्देनजर नए दुर्गा भवन की तामीर तौसी। काश्तकारी से मुतालिक तमाम जानकारियों से काश्तकारों को किया गया बेदार। और एंटरप्रेन्योरशिप को मिल रहा फरोग, डेयरी फार्मिंग के जानिब रागिब हो रहे नौजवान। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की नायाब कुदरती खूबसूरती और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो अपनी एक अलग पहचान ही रखता है। सूफी संतों और दिगर जियारत गाहों के लिए भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में यहां पहुंचते हैं। इसी में से एक है माता वैष्णो देवी का मंदिर, जिसके दर्शनों के लिए सालों भर अकीदतमंद यहां पहुंचते हैं। भक्तों को यहां आने पर हर तरह की सहूलियात फराहम हो और किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इंतजामिया हर सतह पर कोशिश कर रही है। नए तामीर हुए दुर्गा भवन को अब अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नवरात्र की वजह से माँ वैष्णो देवी के दर पर खुशी और उमंग का माहौल है। भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। माँ का जयकारा मंदिर के अहाते में गूंज रहा है। अकीदत की खुशबू से ये अहाता महक रहा है। ऐसे में भक्तों के लिए खुशखबरी ये है कि दुनिया भर से माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को एलजी हुकूमत की जानिब से दुर्गा भवन बनाकर एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से रिबन काटकर किया गया। इस भवन में रोजाना 3,000 लोग आसानी से फ्री में रुक सकते हैं। 18 महीने में भवन बन करके तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि और भी, अभी जैसा मैंने कहा कि 20,000 फुट स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में हम और करें। इसका युवाक हमारा पूरा होने वाला है, इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफी मदद मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा बिजली के तार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम लगभग समापन में है और सुविधाएं निरंतर बढ़ें, ये आवश्यक है। और मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की जो इच्छा है उसको पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व है और उसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से खास हवन पूजन भी किया गया। गौरतलब है कि 27 करोड़ की लागत से महज 18 महीने के रिकॉर्ड वक्त में तामीर हुए दुर्गा भवन में 4 लिफ्ट हैं। 5 मंजिला इस भवन में श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन कमरे, वॉशरूम, लॉकर, ब्लैंकेट स्टोर और भोजनालय जैसी तमाम सहूलियात हैं। भवन में दाखिल होते ही रिसेप्शन है, जहां पर बैठे स्टाफ लोगों को सभी सहूलियात मुहैया कराएंगे। इसके साथ ही फ्री डॉर्मेट्री की सहूलियात हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु इन सहूलियात से बेहद खुश हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे एक फैसिलिटी दी है, जो लोग बीमार लोग रहते हैं, जो जिनको प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ पे रुक सकते हैं, तो श्राइन बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम। पता नहीं चलता है कि हर मौसम कब क्या होता है, बारिश होती है, कभी बर्फ पड़ती है। उसके लिए जो दुर्गा भवन का जो कंस्ट्रक्शन का जो निर्णय लिया है साल डेढ़ साल पहले ही, और रिकॉर्ड डेज में ये कम्प्लीशन किया है, और मिनिमम 8 to 10,000 पीपल डिवोटीज कैन अकोमोडेट आराम से, रोटेशन वाइज, नॉट एट ए टाइम। और इसमें श्राइन बोर्ड ने करीब करीब जो 2 फ्लोर कम्प्लीटली ने फ्री डॉर्मेट्री जो करी है आम यात्री के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो हैंडीकैप्स के लिए, उनके लिए जो वॉशरूम्स अच्छे बनाए हैं, यहाँ के भोजनालय की सुविधा इतने आराम से करें कि ये दुर्गा भवन एक बहुत लैंडमार्क है श्राइन बोर्ड के लिए, जो मंदिर के करीब, भवन के करीब जो यात्रा की सुविधा बनाई है, ये बड़ा बहुत ही अचीवमेंट है श्राइन बोर्ड। इससे
قبل ماں ویشنو دیوی میں آنے والے زائرین کو ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن یعنی آر ایف آئی ڈی کارڈ کی سہولیات دی گئی تھی, جس سے ہر وقت شردھالو ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کی نظر میں رہیں گے. آر ایف آئی ڈی کی مدد سے ہنگامی صورتحال میں مسافروں کو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی. آر ایف آئی ڈی کارڈ پوری طرح سے چپ پر مشتمل ہے جو سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ زائرین کی سہولیات سے جڑے کئی منصوبوں پر خیال کر رہا ہے. اس کے تحت کٹرا سے سانچی چھت تک روپ وے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے. यात्री खुद पहचान सकता है कि कैसी तकलीफें होती है. जैसे पहाड़ियों में मौसम का तो बदलाव तुरंत हो जाता है, जैसे सपोज यात्री नीचे से चला हो, उसे बारिश का ना पता हो और जैकेट वैकेट ना लाया हो, तो ऐसे भवन एकदम दुर्गा भवन जो है माता रानी के गुफा के एकदम करीब है, तो यात्री यहाँ शरण ले सकता है. जैसे शेड है तो थोड़ी देर तो राहत हो जाती है जब तक बारिश थम जाए, मौसम ठीक हो जाए, या वैसे ही धूप हो, स्नोफॉल हो, कुछ भी हो, तो यात्रियों के लिए जितना भी सुविधा हम करते हैं यात्रियों के को इसके लिए सुविधा के लिए नजर मध्य रखते हुए करते हैं कि उनके लिए सुविधा बढ़े ताकि तकलीफ ना हो, आगे की यात्रा भी अच्छी रहे, दर्शन भी अच्छे पाए और फिर वापसी अपने घर भी अच्छे से जाए. माता वैष्णो देवी मंदिर को पिलग्रिम टूरिज्म के लिहाज से अव्वल मकाम हासिल है. माता के दर्शन के लिए हर साल करोड़ों की तादाद में जायरीन पहुंचते हैं और ये सिलसिला 24 घंटे हर दिन जारी रहता है. लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े ये जरूरी है और इस बात को हुकूमत भी जानती है, तभी तो यहाँ पर मुसाफिरों की सहूलियत के लिए आए दिन डेवलपमेंट के काम होते रहते हैं, जिससे यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को काफी सहूलियत मिल जाती है. और अब बात करते हैं काश्तकारी की. जम्मू कश्मीर की जमीन और बेहतर आबो हवा बहुत से काश्तकारी के लिहाज से मुफीद मानी जाती है, जिसके सबब मुख्तलिफ इलाकों में लोग आला दर्जे की काश्तकारी करते आए हैं. इसके अलावा एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से वक्तन फवक्तन एग्जीबिशन और किसान मेले जैसे बेदारी प्रोग्रामों के जरिए लोगों को जदीद तरीन और मुख्तलिफ फसलों की पैदावार से जुड़ी अहम मालूमात फराहम कराई जाती रही है. और इसी के तहत जिला पुंछ में एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से किसान मेले का एहतमाम किया गया. इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट. किस तरह से कम जमीन में अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल किया जा सकता है, उसके लिए किस तरह की तकनीक और सीड्स का इस्तेमाल करना है, इन सभी बातों से काश्तकारों को बेदार किए बिना काश्तकारी का शोभा मुनाफा बख्श नहीं हो सकता है. इस बात को हुकूमत जानती है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर यूटी में वक्तन फवक्तन काश्तकार को बेदार करने से मुतालिक प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता रहा है और ये मेगा किसान मेला भी उसी की एक कड़ी है. हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक किसान मेला लगाया है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने. इसमें सबसे पहले तो मैं वर्दी डीसी साहब को और उनके साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर जो चीफ साहब हैं उनको मुबारक देती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आज सीज़न जो है हमारे किसानों के लिए यही सीज़न है बहुत सारी सब्जियां लगाने के लिए या बहुत सारे जो है फ़ायदा उठाने के लिए. तो आज हमने यहाँ पर बहुत सारे अपने जो इलेक्टेड लोग हैं वो भी यहाँ पर बुलाए हुए हैं, बाकी भी पब्लिक जितने भी हमारे किसान हैं सभी यहाँ पर आए हुए हैं. बहुत अच्छा है हमारी डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है. आप सबको भी पता है कि काफ़ी टाइम से इन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप भी लगाए गए हैं और बहुत सारे मेज शेलर जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए. जिला इंतजामिया और एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से इस मेले का एहतमाम किया गया है. इस मेले में जमीनी पैदावार से मुतालिक सभी पहलुओं मसलन सेग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अलावा भी कई महकमे के स्टॉल यहां पर लगाए गए थे. मुख्तलिफ किस्म की पैदावार और साजो सामान को भी यहां पर नुमाइश के लिए रखा गया. यहां पर पहुंचे काश्तकारों को कई सारी नई नई जानकारियां मिली जो उनके मुनाफे को बढ़ाने में अहम साबित होगा. इस नई स्कीम से कहा इससे कम अज कम 50%
जो है वो लोगों को फायदा पहुंचता है, क्योंकि कुछ चीजें लोगों को नहीं पता थी जिस तरह से वो जमीन में उगाना चाहते थे, तो हमारे पास इतनी जमीनें नहीं भैया कह रही, उन्होंने लेंडरों पे भी जिस तरह से ये यहाँ रखे हैं अपने स्टॉल, तो लोगों को उस चीज का फायदा हो रहा है, उनकी नजर जा रही है, तो मैं इसी पे यहाँ चीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑनरेबल एलजी साहब का एक डिसीजन था कि हर पंचायत को थ्रैशर्स प्रोवाइड किए जाएं, वो थ्रैशर जो थे आज सैचुरेशन हो गई, हमारे 229 पंचायतें हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की, हर पंचायत में जो रहते थे वो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम ने और हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सर ने और ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करके लेफ्ट आउट पंचायतों को कवर किया, जो कंप्लीट हो गई। आप पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 229 पंचायतों के सरपंचेज को जो दिया गया है, जो कि कम्युनिटी बेसिस पे इसका यूटिलाइजेशन रहेगा। जहां तक अपने मेले की बात है, जहां पे 500 से ज़्यादा लोग आए, जिसमें किसान बहनें बहुत अच्छी नंबर में आए थे। हुकूमत की कई सारी स्कीमें हैं जिससे काश्तकार इस्तेफादा कर सके, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी हेल्थ कार्ड योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना इसमें शामिल हैं। इन मंसूबों के अलावा नई नई तकनीक के इस्तेमाल पर न सिर्फ जोर दिया जा रहा है, बल्कि काश्तकारों को जो रियायत दी जा रही है, इन तमाम जानकारियों से लैस करने में किसान मेला हमेशा से कारगर साबित होता रहा है। जितने भी हमारे जो फार्मर हैं, वो चाहे जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट की 229 पंचायतें, हर जगह मेंडर से, सुनकोट से और यहाँ पुंछ से और मंडी से, साथरा से, जितने भी लोरम से आए हैं लोग, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसा किसान मेला जो है ये होना चाहिए, इससे तो एक तो किसान भाई जो हमारे हैं उनको अवेयरनेस होती है, और मेरी आज इस मीडिया की वसादत से मैं किसान भाइयों को भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे मेले में आना चाहिए, और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 10 दिन पहले किसान मेला, तो यहाँ पर भी जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुआ, बहुत अच्छा किसान मेला रहा, इससे हमें कुछ सीखा हमने, जैसे कि मक्की का बीज है, आलू का बीज है, और जो सीडें हैं वगैरह हैं, एग्रीकल्चर जो है हमारे साथ हमेशा शाना बशाना साथ दे रही है, अच्छा काम कर रही है, गाँव में जाती है, हर किसान के पास जाती है, हर किसान को समझाती है कि ऐसा सीड लगाओ, मशरूम लगवाओ, उसके बाद आलू लगवाओ। बहुत अच्छा एग्रीकल्चर की तरफ से हमें बहुत हर टाइम सहूलियत मिल रही है, अच्छा फायदा मिल रहा है, तो हम इसमें बहुत खुश हैं एग्रीकल्चर वालों के साथ। काश्तकारी के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज होने लगी है, ये उनमें पैदा की जा रही बेदारी का ही असर है। दौरे हाजिर में वो नए नए तजुर्बे पर अमल कर रही है। रिवायती फसलों की बजाय अब काश्तकार सब्जियां और दूसरी फसलों को लगा रहे हैं, क्रीमियाई खाद की बजाय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक तो उनकी पैदावार बढ़ रही है, और दूसरा उन्हें अपने जमीन को लंबे वक्त तक जरखेज बनाए रखने में भी मदद मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की, आइए डालते हैं एक नजर। एयर रेसिंग चैंपियन ल्यूक ज़ेबियेला दुबई के मशहूर बुर्ज अल अरब हेलीपैड पर पंखों वाले एयरक्राफ्ट को हेलीपैड पर उतारने वाले पहले शख्स बन गए हैं। 39 साल पोलैंड के पायलट ने अपने छोटे तैयारी को लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 6:58 पर अपनी तीसरी कोशिश में विजुअल क्यूज के बिना उतारने में कामयाबी हासिल की। अपने स्टोल तैयारे को रोकने के लिए केवल 20.76 मीटर रनवे के साथ 56 मंजिला इमारत की चोटी के करीब हेलीपैड हवा में 212 मीटर की दूरी पर है। ज़ेबियेला ने इस स्टंट की तैयारियों के लिए पोलैंड, यूएन और दुबई में 650 टेस्ट लैंडिंग की थी। अमेरिकन माइक पैटी, एक नुमाया अमेरिकन एविएशन इंजीनियर, ने हेलीपैड पर ज़ेबियेला को गाइड करने में मदद की। टेनिस वर्ल्ड टूर सैंड सीरीज क्लासिक 2023 सेशन इंडियन ओशियन आइलैंड रियूनियन पर हुआ। कॉम्पिटिटर्स ने शदीद गर्मी में ITF बीच पर एक दूसरी टीम के साथ मुकाबला किया। ये खेल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और बैडमिंटन का एक कॉम्बिनेशन है, जो बीच टेनिस पैडल और लो कंप्रेशन वाली टेनिस बॉल का इस्तेमाल करते हुए खेला जाता है।
टूर्नामेंट में 16 मुख्तलिफ ममालिक की 64 टीमों ने हिस्सा लिया और इस मुकाबले के दौरान सैंड कोर्ट पर दर्जाए हरारत 47 डिग्री सेल्सियस या 116 डिग्री फॉरेनहाइट तक मापा गया। मेंस फाइनल इटली के मिशेल कैपेलिटी और उनके स्पेनिश साथी एंटोनियो मेगुएल रामोस वीरा ने जीता। विमेंस का फाइनल पूरी तरह से इतालवी मामला था। बीच टेनिस 2008 से इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ का हिस्सा रहा है। समुद्री फजला इकट्ठा करने के लिए तैयार की गई एक बोट मार्च 21 को इंडोनेशिया के जजीरे बाली के साहिल से पहली बार पानी तक पहुंची, जो कि समुद्री प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के अपने मिशन के आगाज का निशान है। मोबुला 8 नामी ये बोट ठोस मलबा, माइक्रोवेस्ट और तेल के अफराज को साफ करने की सलाहियत रखती है। गैर सरकारी तंजीम दसी क्लीनर्स के बानी 52 साल फ्रांसीसी यवन बोर्गोनॉन इस मंसूबे के पीछे है। बोर्गोनॉन और उसकी टीम 2016 से मोबुला 8 पर काम कर रही है। सोलो सेलिंग वर्ल्ड टूर से वापस आने के एक साल बाद जब उन्होंने समंदर में प्लास्टिक के फजले के मसले की हद तक मुशाहिदा करने के बाद कार्रवाई करने का अजम किया। इंडोनेशिया में प्लास्टिक की आलूदगी खास तौर पर शदीद है। एक जजीरा नुमा मुल्क जो समंदरों में खत्म होने वाले प्लास्टिक की तादाद के लिए चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। अब बात ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सैयाहों की आमद को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। महज कुछ एक हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुतालिका महकमा महीनों तक जुटा रहता है। दर्जनों की तादाद में माली इस काम में लगे रहते हैं और फिर जो यहाँ पर बाग तैयार होता है उसे देखकर कोई वाह किए बगैर नहीं रह सकता है। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही ट्यूलिप गार्डन के खोले जाने का इंतजार शुरू हो जाता है ताकि लोग वहां पर पहुंचकर ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सकें। गुज़िश्ता दिनों इसे लोगों के लिए खोल दिया गया और उसी के हवाले से पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ये है जबरवन की पहाड़ी में वाकई एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। इसे सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल लाखों सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने का दमखम रखता है। इस साल यहाँ पर करीब 60 लाख ट्यूलिप के बल्ब लगाए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ 68 वेराइटी के ट्यूलिप फूलों को शामिल किया गया है, जो सयाहों के लिए खास कशिश का मरकज बना हुआ है। गुज़िश्ता दिनों इसे सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। हमने इस साल तकरीबन 68 वेराइटीज और 16 लाख के करीब गुली ट्यूलिप बल्ब्स के लगाए हैं इस साल, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ हमने आज इस साल वाटर चैनल जो एक्सटेंशन की और उसके साथ साथ हाई राइज फाउंटेन का भी गवर्नर साहब इफ्तिदा उसका करेंगे, जो कि अधूरा काम था। इसके पूरे होने से ट्यूलिप गार्डन का और भी खूबसूरती आएगी। साल 2007 में पहली बार इस ट्यूलिप गार्डन को लगाने की शुरुआत की गई थी। फ्लोरिकल्चर महकमे की यही कोशिश रहती है कि यहाँ पर आए सयाहों को अच्छी सैर व तफरी का मौका फराहम हो, जिससे यहाँ पर सयाहों की आमद में और इजाफा हो। हालांकि ऐसा हो भी रहा है, यहाँ पर आने वाले सयाहों की आमद में आए दिन इजाफा दर्ज हो रहा है। हर बरस यहाँ पर लाखों की तादाद में सयाह पहुँच रहे हैं। इसका फायदा कश्मीर की सियाहत को तो हो ही रहा है, साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के वसी इम्कानात भी इसके खुलने से मयसर होते हैं। जन्नत है, जिसको मतलब हमारे वर्ल्ड में, हॉलैंड में, शायद किसी और कंट्री में भी ट्यूलिप गार्डन है, पर मैं कहता हूँ कि जो ये चीजें हैं ये नेचुरली है। लोग भी मेहमान नवाज है। हाँ बिल्कुल है, और कश्मीर की मेहमानवाजी इतनी है, स्पेशली जो इनका इधर का बाजवान है। It's so favorite. Tulip Garden has become so famous that people plan their travel to Srinagar or Kashmir during this season. जो कश्मीर के लिए कहते हैं that holds true, किससे सुंदर कोई जगह नहीं है।
जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो यहाँ की मईशत की बुनियाद मानी जाती है। इसके खोले जाने के साथ ही इस तरह से सैयाहों की आमद यहाँ पर देखी जा रही है, उससे इस बरस इसमें मजीद इजाफे की उम्मीद की जा रही है। इस शोबे से जुड़े लोग काफी खुश हैं। सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल जम्मू कश्मीर में सैयाहों की आमद बढ़े, इसकी तो दरकार है ही। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर की मशहूर डल झील में सरस आजीविका मेले में शिरकत की। ये इकदाम देही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कारीगरों को अपने मसनूआत का मुजाहरा करने और खरीदारों के साथ रिलेशन डेवलप करने और डिजाइन, पैकेजिंग और सोशल मीडिया इश्तेहारात के बारे में जानने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। इन्होंने अफसरान से कहा कि वो जम्मू में बसों को जल्द चलाने की कोशिशें तेज करें। श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास की मेजबानी के पेश नजर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने कश्मीर नर्सिंग होम और SKIMS सौरा का दौरा किया, ताकि सेहत की सहूलियात और दस्तियाब से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया जा सके। चूज लाइफ नॉट ड्रग्स कैंपेन भी राजौरी मैराथन के दौरान लॉन्च किया गया। 750 पार्टिसिपेंट ने एंटी ड्रग हदफ लिया। DC राजौरी और DIG पुलिस ने जलसे को खिताब किया। DC रामबन ने पटनी टॉप में यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। जिला इंतजामिया का कहना है कि जिला में ड्रग फ्री माहौल पैदा करने के लिए पुरज्म है और इस मकसद के हुसूल के लिए तमाम जरूरी इकदामात करते रहेंगे। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िश्ता दिनों वियरबेल कंपनी हैमर की जानिब से स्मार्ट वॉच हैमर S3.0 लॉन्च की गई है। इस स्मार्ट वॉच में 1.85 की बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, जो 500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। गुज़िश्ता दिनों वियरेबल कंपनी हैमर की जानिब से एप्पल वॉच की तरह दिखने वाली स्मार्ट वॉच को बाजार में उतारा गया है, जिसका नाम हैमर S3.0 दिया गया है। ये डिवाइस हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले और कस्टमाइजेबल वॉच फेस के साथ आती है। इस स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का फंक्शन है, जो वॉच में कॉलिंग को सपोर्ट करता है। ये वॉच एक बार चार्ज करने पर 5 दिनों की बैटरी बैकअप देने का वादा करती है। इसमें 1.85 इंच की बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, जो 500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। यूजर्स इसे डायरेक्ट वेयरेबल से ही कॉल कर सकते हैं। वहीं इस वॉच में 50 कॉन्टेक्ट तक स्टोर करने की भी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं मकामी नौजवानों की, जो अलग अलग फील्ड्स में स्टार्टअप यानी खुद रोजगार कर रहे हैं। इनकी मदद के लिए इंतजामिया भी पुरजोश तरीके से कारफरमा है। रोजी रोजगार के लिहाज से इन अहम तरीन मंसूबों में डेयरी शोबा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में डेयरी फार्मिंग के तई लोग बेदार हों और वो इससे जुड़े, इसके लिए हुकूमत की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों और काश्तकारों ने शिरकत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डेयरी फार्मिंग के तई फार्मर बेदार हों और वो इससे जुड़े, इसके लिए जरूरी है कि इस शोबे के बारे में उनके पास जानकारी हो और अगर बेदारी ऑन स्पॉट मुहैया हो तो इसके कह नहीं क्या। जम्मू कश्मीर का ये मानस बल के इलाके में वाके डेयरी यूनिट है, जहां पर फार्मर और इसमें रोजगार के मौके तलाश रहे लोगों को इस शोबे से जुड़ी साइंसी जानकारी से बेदार किया जा रहा है। फार्मर को इस बात की जानकारी से रूबरू कराया जा रहा है कि वो किस तरह से डेयरी फार्मिंग से जुड़कर इसे मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं। हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये इसी रिलेटेड है कि हम कैसे डेयरी फार्म बड़े अच्छे से करें, और ये हमारा एक फार्म है यहाँ पे मानसबल में MLRI के नाम से, माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज हैं फ्रॉम डेयरी फार्मिंग टू डेयरी प्रोसेसिंग
इंक्लूडिंग वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट एज वेल एज फीड यूनिट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम इसलिए यहाँ जमा हो गए कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं इनको हम अवेयर करें अबाउट द साइंटिफिक वे ऑफ डेयरी फार्मिंग राइट फ्रॉम इट्स मतलब डेयरी एनिमल को कैसे पाला जाएगा, उसकी फीडिंग कैसे की जाएगी, उसका जो मिल्क प्रोड्यूस होगा उसकी बेटर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे और प्रोसेसिंग के साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है। डेयरी फार्मिंग के तई किस तरह की जानकारी का होना जरूरी है, किस जानवर से मिल्क सही मिकदार में हासिल किया जा सकता है, कौन सी वो साइंसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल इस दौरान किया जा सकता है जिससे मिल्क की पैदावार को ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से मिल्क की वैल्यू एडिशन की जा सकती है, मिल्क के प्रोसेसिंग के क्या अहम पहलू हैं, उन तमाम बातों से यहाँ पर इन्हें बेदार किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है सेटअप किया है, आज हमारा ये एक्सपोजर विजिट यहाँ पे मानसबल में हुआ है। यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि हम एक्चुअली जो है डेयरी फार्म में जो जाना चाहते हैं या हम खुद चला रहे हैं डेयरी फार्म को, कैसे उसको साइंटिफिक तरीके से चलाया जा सके और कैसे उसको एक अच्छा अर्निंग यूनिट बनाया जा सके। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप देखेंगे कि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो कहाँ तक बढ़ गया है, तो उसको डाउन लाने के लिए ये सारी चीज़ें क्रिएटिव आइडियाज है, नए नए चीज़ें जो है सिक्किम में भी बहुत सारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है यहाँ पे, तो उन स्कीम्स के तहत यहाँ पे हमारा एक्सपोजर विजिट भी किया जा रहा है और स्कीम के बारे में भी बोला जा रहा है कि आप इसमें कैसे अच्छा कर सकते हो और इसमें आप अच्छा अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हो। हम यहाँ आज विजिट करने आए, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा विजिट करके। हमने आज यहाँ पे देखा हमें जो यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे पाश्चराइज करेंगे। एक हमने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे देखा, पाश्चराइज होमोजेनाइज पैकेजिंग सिस्टम हमने देखा ताकि जो हम मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए, मतलब एज कम्पेयर टू जो हम लोकली डोर टू डोर ले जाते हैं, और दूसरी बात हमने देखा जो हमने यहाँ डंग वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एंड तो उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे हम उस वेस्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे। मुल्क ही नहीं बैरूने ममालिक में भी इंडिया मिल्क प्रोड्यूस करने में नंबर वन माना जाता है। जिस हिसाब से हमारे पास डेयरी एनिमल है उस हिसाब से हम मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उन्हीं सब बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। काश्तकारी से वाबस्ता लोगों के लिए भी डेयरी फार्म से जुड़ना उनके मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर में दूध की पैदावार को बढ़ाने और डेयरी फार्म में रोजगार के इम्कान को तलाशने में ये संगमील साबित होने वाला है। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी बात फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ। यू तो सोचे थे क्यों तम खत तीज यानी स्पीड प्लस ये प्रत 5G स्मार्टफोन खतरे छी बनियोमत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छू एयरटेल 5G प्लस अद कहते 5G क्या जे?